नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश कालीन गोल बाजार की दशा नहीं सुधरी 88 वर्षों से। अव्यवस्था के अलावा सड़क, पानी और गंदगी की समस्या विकराल। शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पुलिस की टीम हुई सक्रिय। दीनदयाल उपाध्याय वार्ड की समस्याओं को पुलिस ने लिया संज्ञान में, निगम सुस्त। और शास्त्रीय नृत्य कथक में शहर की श्रुति युवा पीढ़ी के लिए बनी प्रेरणा, कहा शास्त्रीय कला को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी युवाओं की। अब खबरें विस्तार से। शहर के सबसे प्राचीन गोल बाजार के निर्माण को लगभग 88 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु आज भी ये बाजार बेतरतीब है। अव्यवस्थित गोल बाजार में कई पीढ़ियों से अपना व्यवसाय चलाने वाले व्यवसायी यहाँ की बदहाली से परेशान तो हैं, किंतु इससे दिल से भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए यहाँ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर का ब्रिटिश कालीन गोल बाजार अपने निर्माण के 88 वर्षों के बाद भी बदहाल है। तीन हिस्सों में बटे इस बाजार में समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बाजार का व्यवस्थित नहीं होना है। एक तरफ मनिहारी वालों ने अपना डेरा बना लिया है, तो दूसरी तरफ सब्जी मार्केट लगभग समाप्त हो गया है। वर्षों से उपेक्षित पड़े शहर के ऐतिहासिक मार्केट बस्तरवासियों के लिए प्रमुख व्यवसायिक केंद्र रहा है। हम आपको बता दें कि इसका लोकार्पण 1932 को एक अंग्रेज अधिकारी मोंटेगल सेरर डेविस बटलर द्वारा किया गया था। 16 फरवरी 1910 में खड़क घाट में एकत्र विद्रोही वनवासियों की भीड़ पर गोली चलवाई गई थी, जिसमें यहां 5 लोगों की मौत हो गई थी। बस्तर के इतिहास में शामिल गोल बाजार की दशा वर्तमान में काफी खराब है। गोल बाजार को व्यवस्थित करने समय समय पर मांग उठती रही है, परंतु इसका जवाब न तो नगर निगम के पास है और न ही पीडब्ल्यूडी के पास। पीढ़ियों से कारोबार कर रहे गोल बाजार के एक व्यवसायी ने हमें बताया, जब हम लोग यहाँ तीन तीन चार चार पीढ़ी से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और हम लोगों को जब यहाँ किराया भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, ये वास्तव में राजा साहब की जमीन थी। राजा साहब के पास जब देश आज़ाद हुआ तो पीडब्ल्यूडी ने अपना अपना सेल मार लिया, अपनी अपनी दुकान बना ली और उसके बाद पीडब्ल्यूडी हमसे किराया लेना शुरू कर दिया। उसके बाद कालांतर में इसको बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया कि अब आप जानिए, आपका काम जाना है। इन परिस्थितियों में बहुत से दुकानदार जो हैं इंक्रोचमेंट कर लिए, रोड के ऊपर आ गए और जो अपना गोल बाजार है ये पुरानी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ पे इमली के पेड़ है, जिसमें कहा जाता है कि जो है उसमें जब 1857 की वगैरह क्रांति हुई, 1910 का जो गदर हुआ, उसमें हमारे जो वीर लोगों थे उन लोगों को फांसी दी गई, इसलिए आज तक इन इमली पेड़ों का इमली कोई नहीं लेता है। दूसरी चीज़, महात्मा गांधी का चौरा बना हुआ है यहाँ पे। तीसरी चीज़, जय स्तंभ भी बना हुआ है। और मैं चाहता हूँ, चूँकि ये सांस्कृतिक धरोहर है और चूँकि हम लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, मतलब दुकानदारी कर रहे हैं, तो हमको इसको दिया जाए, हम इसको व्यवस्थित करके चलाएंगे। सरकार इसे व्यवस्थित करे? सरकार व्यवस्थित नहीं करेगी, हमको मालूम है। हम विभिन्न क्षेत्रों से लड़ रहे हैं और आज कम से कम 30 से 40 साल तक हम लड़ ही रहे हैं। हमको लड़ने की कोई मंशा नहीं है। सरकार भी हमारी है, हम उसके हैं। हम यहाँ की प्रजा है, वो राजा है। लेकिन हमको वो दे, वो अपना लेआउट बना दे कि आप इस इतने सीमा पे आपको बनाना है दुकान, जो किराया होगा हम देंगे उसको। लेकिन अब वो बोले कि नहीं, आप यहाँ से हटिए और हटाइए, तो ये तो गलत संभव नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है बना रहे, अच्छे तरीके से बन जाए, हमको दिया जाए। जो दुकानदार नहीं लेना चाहते, जो छोड़ के चले गए, वो गवर्नमेंट जाने और वो ज़मीन भी गवर्नमेंट जाने। लेकिन जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे इतने साल से, आज चार चार पाँच पाँच पीढ़ी से हम लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और मेरी दुकान शुक्ला बुक डिपो है, वो जो है बस्तर संभाग की सबसे पुरानी दुकान है और पाँचवीं पीढ़ी मैं यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमको यहाँ की ज़मीन जो है वो दे, जो भी रेट है उसके हिसाब से दे, हम इसको बनाने के लिए तत्पर हैं। सांस्कृतिक धरोहर गोल बाजार में व्यवसाय करने वाले यहाँ के लोग दिल से जुड़े हुए हैं। यहाँ की तमाम समस्याओं को बताते हुए ये व्यवसायी, सर गोल बाजार में काफ़ी दिनों से, मतलब बारिश जैसे चालू हो जाती है वैसे ही थोड़े से कीचड़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ग्राहकों को आने में थोड़ा तकलीफ होने लग जाता है। तो इससे थोड़ा सा फ़र्क है हमारे गोल बाजार में, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाए और कोई
देखिए हमारे गोल बाजार को। आपका गोल बाजार व्यवस्थित है? गोल बाजार तो उतना व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आए दिनों कभी कभी ताला तोड़ा जाता है, कभी शटर उठाया जाता है, उसमें ही परेशानी होता है, चोरी होता है। गौरतलब है कि वर्ष 1995-96 में गोल बाजार को संजय बाजार में शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही गोल बाजार को व्यवस्थित करने का सिलसिला थम गया। सब्जी वालों के लिए बनाया गया शेड मनिहारी वालों ने ले लिया, जिसके चलते सब्जी वाले फुटपाथ पर आ गए। अव्यवस्था के साथ साथ गोल बाजार में बनी सड़क से भी लोग काफी परेशान हैं। सब्जी बेचने वाली एक महिला ने अपनी समस्या हमें बताई। पानी का बहुत परेशानी है यहाँ पर, रोड का छिकला होता है और ताल पत्री वगैरह बांधने नहीं देते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। छिकला कारण से ग्राहक भी ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, बहुत साल से बढ़ रहे हैं, हो गया करीब हमारा तो 30-35 साल हो गया, अभी यहाँ बचपना से कर रहे हैं धंधा, इसीलिए यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। गोल बाजार में वर्षों से किराने की दुकान चलाने वाले एक पुराने व्यवसायी ने कहा। गोल बाजार है, बहुत पुरानी बाजार है और यहाँ बहुत मतलब हम लोग बच्चे थे उस समय से ये बाजार है। अब तो खैर संजय बाजार हो गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ रश कम हो गई है। हम लोग तो दुकानदार हैं, यहाँ अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन जो आने वाले हैं उनको दिक्कत होती है, सुविधाएँ कम मिल पाती है सरकार की तरफ से। अगर ये सड़क बन जाए अच्छे से तो बढ़िया हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इधर भी थोड़ा ध्यान दे ताकि इधर से आने जाने वाले को दिक्कत ना हो और हमें भी सहूलत होगी। उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे ग्राहक थोड़ा ज़्यादा आएंगे। हाँ, बाकी टाइम तो ठीक है, बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गोल बाजार और उसके चारों तरफ दुकानें बढ़ने से यातायात का दबाव बढ़ा, लेकिन इसे व्यवस्थित करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। यहाँ की बदहाल पार्किंग व्यवस्था भी लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। दन्नामी माड़िया चौक से बोधघाट पहुंच सड़क पर कतार से ट्रकों के खड़े रहने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि इस सड़क पर वेयर हाउस के स्थित रहने से ये स्थिति निर्मित हो रही है। अनाज लाने ले जाने ट्रकों के जमावाड़े से इस अंधे मोड़ वाली सड़क पर हमेशा दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सड़क की स्थिति भी ठीक नहीं है, जगह जगह गड्ढे होने से वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है। बस्तर की बात में दिखाई गई खबर का असर आज शहर में देखने को मिला। गुरुवार को सुबह से ही पुलिस अपने दलबल के साथ शहर में अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने में जुटी हुई थी। हम आपको बता दें कि 16 जून को हमने दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और मोतीलाल नेहरू वार्ड की समस्याओं को उजागर किया था। वार्डवासियों ने इसे ट्रांसपोर्ट नगर बना दिए जाने और असामाजिक तत्वों द्वारा वार्ड में उत्पात मचाने को लेकर पुलिस और निगम पर सवालिया निशान उठाया था। पुलिस ने यहां कार्रवाई की और उन्हें समझाइश देते हुए आने वाले दिनों में कठोर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। 16 जून को बस्तर की बात में दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और मोतीलाल नेहरू वार्ड को ट्रांसपोर्ट नगर बना दिए जाने और यहां के असामाजिक तत्वों द्वारा वार्डवासियों को परेशान किए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आज इन दोनों वार्डों में कार्रवाई करते हुए दोषी पाए जाने वाले लोगों को सख्त हिदायतें दी। अव्यवस्थित तरीके से रखे जाने वाले वाहनों को व्यवस्थित किए जाने के निर्देश देते हुए उन्हें समझाइश दी। डीएसपी पंकज ठाकुर ने बताया कि सड़कों में सरलता पूर्वक वाहनों की आवाजाही बनी रहे। और आम नागरिकों को तकलीफ न हो, इसके लिए आज गुरुवार को ये कार्रवाई की गई। शहर के जिन जिन वार्डों और प्रमुख चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था ठप है, उन जगहों पर पुलिस ने दल बल के साथ गुरुवार को कार्रवाई की। शहर के गोल बाजार, संजय बाजार के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की टीम सुबह से पहुंची। अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने के लिए तमाम प्रयास किए गए। आने वाले दिनों में पुलिस ने इसी तरह की सक्रियता दिखाने की बात कही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद शहर की बाकी खबरें। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता
बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बस्तर गोंचा महापर्व को शर्तों के साथ मनाए जाने की अनुमति मिलने के बाद बस्तर वासियों में हर्ष व्याप्त है। 22 जून को नेत्रोत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे और 23 जून को रथ यात्रा होगी। इसके लिए नए रथ निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गोंचा महापर्व को मनाने की रूपरेखा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। कोरोना महामारी के चलते लगभग सभी सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के स्वरूप बदल गए हैं। इसी क्रम में बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा महापर्व को भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाए जाने की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद रथ निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रतिवर्ष बेड़ा उमरगांव के हरिबंधु और उनके साथियों द्वारा 18 फीट ऊंचे रथ का निर्माण किया जाता है। इस वर्ष रथ निर्माण का कार्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर विलंब से शुरू हुआ। बुधवार की दोपहर 1 बजे रथ निर्माण की लकड़ी सिरासार भवन में पहुंची और तब से रथ निर्माण करने वाले कारीगर रथ निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। रथ निर्माण करने वाले कारीगरों का नेतृत्व कर रहे हरिबंधु ने आगामी 6 दिनों के अंदर दिन रात कार्य करते हुए रथ निर्माण पूर्ण करने की बात कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव है। अच्छा, ये रथ निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ? आज शुरू हुआ है। ये कब तक पूरा कर लेंगे आप लोग? अगर रात दिन करेंगे तो 23 तारीख तक कम्प्लीट हो जाएगा। कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो आदमी कम है, लेकिन अभी बढ़ाएंगे, कल से 10 आदमी बढ़ाएंगे। अच्छा, कौन गांव के हैं आप? बेड़ा उमरगांव। हर साल बनाते हैं? जी सर, हर साल। 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज को गोंचा महापर्व मनाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दिए जाने के बाद समाज के पदाधिकारियों ने गोंचा महापर्व मनाने की रूपरेखा को लेकर गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर में बैठक की। बैठक के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों कम से कम 6 फीट की दूरी कायम रखने के साथ 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को मंदिर प्रवेश करने पर रोक रहेगी। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन व पूजन करने के लिए जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। वहीं मंदिर में प्रवेश से पहले साबुन, पानी, सैनिटाइजर से हाथ धोना जरूरी होगा। गोंचा महापर्व मनाए जाने की अनुमति मिलने के बाद बस्तर के लोगों में हर्ष व्याप्त है। उम्मीद है सभी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गोंचा महापर्व में शामिल होंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। लद्दाख क्षेत्र के भारत चीन सीमा पर विगत दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को ए विजन केबल नेटवर्क समूह के सदस्यों द्वारा गुरुवार की दोपहर सिरहासार भवन के पास स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ए विजन के जुड़े सदस्य उपस्थित थे। 15 जून को भारत चीन सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे 20 वीर जवानों ने अपने प्राण त्याग दिए। इन शहीदों को पूरा भारत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ऐसे ही आज ए विजन चैनल, जिसके माध्यम से बस्तर की बात आप तक पहुंचती है, के सदस्यों द्वारा शहीद स्मारक पहुंचकर इन वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। वीर जवानों की शहादत के बारे में ए विजन ग्रुप के सदस्य मुकेश थनथराटे ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आज हम
जगदलपुर के जो सारे केबल ऑपरेटर्स जो कि ए विज़न चैनल को बिलोंग करते हैं, सारे लोग मिलके हमारे देश के वीर जवानों के लिए जो कि चाइना से अपने देश की सुरक्षा करते हुए चीन के सैनिकों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें आज हम सब केबल ऑपरेटर्स श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे इतने वीर जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी और इस तरह से उन्होंने हमारे देश के जो लोगों के अंदर जो जज्बा है उसको जागृत रखा और पैदा किया कि अपने देश के लिए आन बान शान हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस कारण से हम सारे लोग इकट्ठा होकर आज उनको शत शत प्रणाम करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की रक्षा में वीर सैनिकों का योगदान हमेशा से रहा है और इन शहीदों को याद रखना हमारा और आपका पहला कर्तव्य है। बस्तर की बात, जगदलपुर। आधुनिक समय में शास्त्रीय कला से लोग दूर होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी भी इसे पसंद नहीं करती। अपनी कला, संस्कृति और माटी की सुगंध लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसे में शहर की श्रुति शास्त्रीय कला नृत्य में पारंगत होकर अपनी खुशबू दूर दूर तक बिखेर रही है। युवा प्रतिभा के क्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं शहर की जानी मानी 13 वर्षीय कथक नृत्यांगना श्रुति सरोज से। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शहर की श्रुति की अपनी एक अलग ही पहचान है। महज 3 वर्ष की उम्र से शास्त्रीय नृत्य कथक करने वाली शहर के जवाहर नगर की श्रुति सरोज 9 वर्ष की उम्र में नृत्य भूषण प्रथम वर्ष की परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त किया। अनेकानेक बेहतरीन मंचीय प्रस्तुतियां श्रुति देती आई हैं। स्थानीय स्तर के अलावा जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेकर कई पुरस्कार भी श्रुति ने जीता है। दूरदर्शन के अलावा बस्तर लोकोत्सव, राज्योत्सव, चित्रकूट महोत्सव के अलावा राजधानी में आयोजित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बस्तर का नाम ऊंचा किया है श्रुति ने। सोशल मीडिया में भी श्रुति के नृत्य लोकप्रिय हैं। कथक के अलावा पाश्चात्य म्यूजिक में भी श्रुति की रुचि है। इसका मानना है, श्रुति का मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचि के अनुसार किसी कला को अवश्य ही सीखना चाहिए। कला हमें तनाव मुक्त रखती है। श्रुति कहती हैं कि शास्त्रीय नृत्य हमारे धरोहर हैं, इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम श्रुति सरोज है, मैं क्लास 8 में हूँ। मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है। मैं जवाहर नगर वार्ड मेनगुना जगदलपुर में रहती हूँ। श्रुति, हमने सुना है कि आप बहुत ही कम उम्र में 3 साल की उम्र में आपने डांस करना शुरू किया, तो ये जो डांस करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं जब टीवी शोज़ देखती थी तो उसमें मुझे बिरजू महाराज जी के डांस बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि वो डांस मुझे करना है। अच्छा, तो आपने बिरजू महाराज के डांस टीवी में देखा और आपने उनसे प्रेरणा ली। तो आप जब सिर्फ 3 साल की थी तो उस समय आपने आपको कौन सिखाया कि डांस क्लासिकल डांस सीखना है, या किसको आप देखती थी डांस करते हुए? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, और टीवी शोज़ DID वो सब आते थे तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था, तो मम्मी ने मुझे डांस क्लास ज्वाइन करवाया, तो वहाँ से मैं सीखी। अच्छा, ये जो क्लासिकल डांस है इसमें कौन सा चीज़ आपको सबसे अच्छा लगता है? उसके जो आईज मूवमेंट्स है, एक्सप्रेशंस, उसके ताल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप कौन सा क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 8th में हूँ। तो आप पढ़ाई भी करती हैं और डांस भी सीखती हैं? हाँ। तो कैसे आप समय निकालती हैं डांस के लिए?
डांस क्लास का मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ और जो स्कूल के होमवर्क्स मिलते हैं उसके लिए मैं अलग से टाइम टेबल बनाई। अच्छा, तो आप अभी कहीं सीख रही हैं डांस? हाँ, घुंघरू डांस क्लास में। अच्छा, तो कथक के अलावा आप कोई और डांस भी करती हैं या सिर्फ कथक में ही आपकी रुचि है? कथक में अभी कोर्स कर रही हूँ, जो फोर्थ ईयर में हूँ मैं, और भरतनाट्यम में मैं एक साल की थी और ओडिसी डांस भी करती हूँ। अच्छा, तो आप अभी चौथे साल में हैं, कोर्स कर रही हैं, और ये कितने साल का कोर्स होता है? ये टोटल 7 ईयर्स का होता है। 7 ईयर्स का होता है। तो आप क्या सोची हैं कि आपको क्या करना है इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे बस एक डांस क्लास खोलना है जिसमें जो इंटरेस्टेड हैं वो डांस करेंगे, और अभी क्लासिकल डांस उतना फेमस नहीं है तो वो मैं बोल रही हूँ कि वो ज़्यादा आगे बढ़े क्लासिकल डांस। अच्छा, तो आप यहाँ के बच्चों के लिए, आपके जैसे बालिकाओं के लिए एक क्लासिकल डांस क्लास खोलना चाहती हैं ताकि वो भी कथक सीख सकें? हाँ। और आपके जैसे नाम कमा सकें। अच्छा, तो आपने, आप तो बहुत कम उम्र से डांस सीख रही हैं, तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया है? फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा स्कूल में था, उसके बाद मैंने रायपुर में भी दिया है, दंड कानरनी की शान में, और लोकोत्सव चित्रकूट महोत्सव हर साल होते हैं, वहाँ पे भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो अभी जैसे आप, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, आपको और सीखना है। हाँ। तो आपने कभी सोचा है कि आप बस्तर से कहीं बाहर जा कर के डांस का प्रशिक्षण लेंगे, ऐसा कुछ आपके मन में विचार है? हाँ, कोलकाता में मैंने सुना है बहुत अच्छा डांस होता है, तो वहाँ से मैं डांस सीखना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप सबसे, आप जैसे डांस करती हैं तो आपको क्या लगता है कि कोई कुछ आपके मन में भाव रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, या किसी को आप अपना प्रेरणा मानते हुए आप ये सीख रही हैं? हाँ, बिरजू महाराज जी मुझे बहुत पसंद। अच्छा, है बिरजू महाराज जैसे हाँ। डांसर आपको बनना है? हाँ। अच्छा, तो आप हमें ये बताएंगे कि आपको ये क्लासिकल डांस जो कथक है, इसका कौन सा ऐसा स्टेप आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? मुझे आमद बहुत पसंद है। अच्छा, आप करके बताएंगे? जी। अच्छा श्रुति, जाते जाते आपसे मैं एक सवाल और ये भी करना चाहूँगी कि यहाँ के जो बच्चे, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, तो अगर वो कथक सीखना चाहती हैं तो उनसे आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए, और डांस क्लास भी अभी बहुत सारे खुल गए हैं तो वहाँ से सीख लेना चाहिए, और जिसमें मन करता है वही करें, और उसके क्लासेस जाएं, और जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें परफेक्शन ज़रूरी है, पढ़ाई के अलावा जो भी कला है वो सीखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पढ़ाई के अलावा जिसमें हमें रुचि है, जो भी कला सीखनी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश कालीन गोल बाजार की दशा नहीं सुधरी 88 वर्षों से। अव्यवस्था के अलावा सड़क, पानी और गंदगी की समस्या विकराल। शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पुलिस की टीम हुई सक्रिय। दीनदयाल उपाध्याय वार्ड की समस्याओं को पुलिस ने लिया संज्ञान में, निगम सुस्त। और शास्त्रीय नृत्य कथक में शहर की श्रुति युवा पीढ़ी के लिए बनी प्रेरणा, कहा शास्त्रीय कला को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी युवाओं की। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे शहर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका
सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।